हेलो साथियों, मैं राजेश कुमार सिंह आपका अपना प्यारा चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती में हृदय से स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो में आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में बताएंगे इड्यूटेरिया अर्धवार्षिक करेंट अफेयर 2021, जिसमें आपका जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को शामिल किया गया है। दोस्तों, इसमें खास बात है कि टोटल जो है 16 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 800 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इसको जो है हम कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम डेली बेस पर चलाएंगे। साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट जो है 13वां एपिसोड को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। तो ये रहा आज का पहला सवाल। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये था दोस्तों आपका अरुण कुमार मिश्रा। कौन था? अरुण कुमार मिश्रा, जिसे वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी ऑप्शन बी सही है। ये अरुण कुमार मिश्रा को 2 जून 2021 को जो है नियुक्त किया गया है दोस्तों। और इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दे दोस्तों, ये जो है जयदीप, कौन है ये? जयदीप गोविंद, ये जो है वर्तमान में अभी कौन है? महासचिव है, ये महासचिव है। और HL दत्तू जो है, ये दोस्तों आपका पूर्व में क्या था? अध्यक्ष था ये NHRC का। और दोस्तों बता दें कि इसका स्थापना जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 अक्टूबर जो है 1993 को, 1993 को इसकी स्थापना हुआ था 1993 की के ही एक्ट के तहत। तो दोस्तों, इसमें जो है बता दें प्रथम अध्यक्ष कौन बना था इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का? तो वो था आपका रंगनाथ। कौन था? रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्रा था प्रथम ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। और ये जो है ये अरुण कुमार मिश्रा, ये लिया है प्रफुल्ल चंद। कौन था? प्रफुल्ल चंद पंत। प्रफुल्ल चंद्र पंत का जो है ये स्थान लिया है अरुण कुमार मिश्रा, यानी अरुण कुमार मिश्रा से पहले जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रफुल्ल चंद्र पंत। और इसका है वर्तमान में मुख्यालय जो है ये इसका NHRC का जो है मुख्यालय कहाँ है? अगर मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों आपका भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और इसमें टोटल जो है 7 सदस्य होता है, मतलब इसमें अध्यक्ष को जोड़ के 7 सदस्य इसमें होता है। 7 सदस्य का जो है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद रहता है, इसमें एक अध्यक्ष और 6 जो है इसमें सदस्य होता है, यानी टोटल 7 सदस्य होता है अध्यक्ष को लेके। तो ये था इसका महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो बता दें साथियों, इसमें जो है भारत को 117वां स्थान मिला, यानी ऑप्शन सी सही है। और बता दें भारत को जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार जो है 2 पायदान जो है नीचे गिर गया है। पिछले वर्ष इसका स्थान कितना था? ये 2020 का रिपोर्ट में अगर जाइएगा तो इसको जो है दोस्तों ये 2020 में 115वां स्थान था, जबकि 117 हो गया है 2021 में, यानी 2 पायदान नीचे गिर गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस जो है के शुभ अवसर पर पुणे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जैसा कि सभी को पता है 5 जून को
मनाया जाता है हर साल। तो इसका प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया है, तो वो प्रोजेक्ट क्या है, तो वो प्रोजेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका ये E100 प्रोजेक्ट, यानी ऑप्शन बी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है तंबाकू नियंत्रण के प्रयास हेतु किस व्यक्ति को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। तो वह कौन व्यक्ति है, वह व्यक्ति है आपका दोस्तों भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन ए सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। तो वह कौन व्यक्ति है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया, तो वह व्यक्ति है डेविड डियोप। कौन है, डेविड डियोप, यानी ऑप्शन ए सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है, तो ये लेखक है दोस्तों रवि शास्त्री, यानी पूर्व भारतीय क्रिकेटर, ऑप्शन बी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार जो है चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है। तो वह व्यक्ति कौन है दोस्तों जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसका ऊंचाई 8800 जो है वर्तमान में 85 मीटर है, तो इस पर जो है सर्वाधिक बार यानी सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया, तो वह व्यक्ति है दोस्तों आपका कामी रीता शेरपा। कौन है, कामी रीता शेरपा, ये नेपाली है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में जो है बजट 2021-22 के बजट में 2020-21 से कितना अधिक आवंटन किया गया। तो ये आवंटन है दोस्तों आपका 137% का, यानी ऑप्शन सी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप, कौन अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है, तो वो जो है आपका ये राज्य हो जाएगा दोस्तों झारखंड, जिसने अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन सी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है, यानी कौन परियोजना है, संजीवनी परियोजना, घर पे कोविड मरीजों के इलाज के लिए यह पहल है, तो यह जो है राज्य चालू किया था दोस्तों आपका हरियाणा से, यानी ऑप्शन बी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त किए गए INS राजपूत के संबंध में कौन सा कथन 100% सही है। तो पहला कथन देखते हैं दोस्तों, यह है भारत का पहला विध्वंसक पोत था, तो यह दोस्तों बिल्कुल सही है, यह जो है INS राजपूत भारत का पहला विध्वंसक पोत था, यानी पहला कथन सही है। तो देखते हैं दूसरा कथन, इसे 1980 में नौसेना में शामिल किया गया, तो ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, इसे 1980 में सही रूप से शामिल किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमुर्ग, कौन सीमुर्ग विकसित किया है, तो ये सीमुर्ग दोस्तों सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर किस देश ने विकसित किया,
तो वह देश है आपका ईरान। ऑप्शन सी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया, तो वह है दोस्तों आपका रमेश पोखरियाल, यानी वर्तमान में जो है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसे ही सौंपा गया। इससे पहले जो था मानव संसाधन विकास मंत्री कौन था, प्रकाश जावड़ेकर, यानी प्रकाश जावड़ेकर का ये स्थान लिया है रमेश पोखरियाल। तो वर्तमान में जो है ये निर्मला सीतारमण को कौन सा मंत्रालय दिया गया, फाइनेंस मिनिस्टर इसे बनाया गया, और स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया डॉक्टर हर्षवर्धन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में जो है भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI किस देश से प्राप्त हुआ, तो वह देश है दोस्तों आपका सिंगापुर, यानी ऑप्शन डी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किए जाने के कारण यह चर्चा में रहा है, तो यह है दोस्तों आपका माली, जो तख्ता पलट में चर्चा में रहा, यानी ऑप्शन डी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसे CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक के रूप में चुना गया है, तो वह है दोस्तों आपका सुबोध जसवाल। कौन है, सुबोध जसवाल, यानी ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों बता दें CBI का जो है स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1963 को हुआ था। तो ये भारत के ये गुप्तचर संस्था है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो वह देश है दोस्तों आपका सिंगापुर, जिसने RCEP लागू किया है, यानी मुक्त व्यापार समझौता, ऑप्शन सी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है, यानी वह भारतीय मूल की कौन सी महिला है जिसे अमेरिकी एसोसिएटेड अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया, तो वह महिला है दोस्तों आपका वनिता गुप्ता, यानी ऑप्शन बी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस, कौन एक्सप्रेस, यानी पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई, तो यह था दोस्तों आपका मुंबई से विशाखापट्टनम। ये कोरोना काल में जो था ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी, जिसके कारण ये रेलवे मार्ग से जो है ऑक्सीजन एक्सप्रेस बनाकर ऑक्सीजन की पूर्ति हर अस्पताल में किया गया था, जो मुंबई से विशाखापट्टनम की ओर तक चलाया गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 को जो है मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था, तो पृथ्वी दिवस का थीम दोस्तों 2021 में रखा गया है रीस्टोर आवर अर्थ, यानी ऑप्शन बी सही है। तो पृथ्वी दिवस दोस्तों हर वर्ष जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वरुण 2021 युद्धाभ्यास है, यह जो है किस देश के साथ यह युद्धाभ्यास हुआ था वरुण 2021, तो यह देश हो जाएगा दोस्तों भारत और फ्रांस के नौसेना का संयुक्त अभ्यास है, यानी ऑप्शन डी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में उमंग गोट नदी पर जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दी गई है, तो यह है दोस्तों आपका
मेघालय, वह राज्य है आपका मेघालय, ऑप्शन ए सही है, जहां हायउमंग उमंगोट नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो है इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 142वां, यानी ऑप्शन सी सही है। तो इसमें जो है दोस्तों बता दें, फर्स्ट स्थान किसको मिला है? फर्स्ट स्थान मिला है आपका नॉर्वे को। किसको? नॉर्वे देश को फर्स्ट स्थान मिला। यह जो है दोस्तों लगातार पाँच वर्षों से जो है पहले स्थान पे बरकरार है। और बता दें सेकेंड स्थान जो है इसमें रहा है आपका फिनलैंड। कौन सा है? सेकेंड स्थान पे रहा है आपका दोस्तों फिनलैंड। और थर्ड स्थान पे इसमें बता दें, थर्ड स्थान पे था आपका डेनमार्क। डेनमार्क। और इस जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में सबसे अंतिम यानी 180वां स्थान मिला था किसको? तो वह था दोस्तों ऑस्ट्रिया को। तो ये था इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनी है? तो वह राजनीतिक पार्टी है आपका दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी ऑप्शन डी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका टीवी सोमनाथन राजस्व सचिव। यह जो है बिल्कुल सही नहीं है। वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा, ये सही है। और ONGC के अध्यक्ष सुभाष कुमार है, ये भी सही है। नेस्कॉम के जो है चेयरमैन रेखा मेनन है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा की है? तो वह देश है आपका रूस, यानी ऑप्शन डी सही है, जिसने चंद्र मिशन लूना 25 को जो है घोषणा किया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह है दोस्तों अमिताभ घोष, यानी ऑप्शन बी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो वह देश है आपका दोस्तों दक्षिण कोरिया, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना काल के दौरान अस्थगितिक जो है IPL 2021 के बचे हुए मैच का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वह देश हो जाएगा दोस्तों आपका UAE, यानी संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन डी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें दोस्तों चार कथन दिया गया है, इसमें कौन सा कथन बोलता है सही नहीं है? तो देखते हैं पहला कथन क्या है। यह जो है WEF द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों ये WEF द्वारा जारी किया जाता है, यानी ये कथन बिल्कुल सही कह रहा है। और दूसरा कथन है, प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। और तीसरा कथन है, भारत को इसमें 87वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। अगला कथन है, 2020 में भारत का स्थान 74वां था, ये भी सही है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र
किस राज्य में स्थापित किया गया, तो वह कौन सा भारत का राज्य है जहां पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र जो है स्थापित किया गया, तो वह राज्य है दोस्तों आपका उड़ीसा, यानी ऑप्शन सी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, तो वह है दोस्तों आपका चंडीगढ़, ऑप्शन बी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, क्रेविज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन सेरा द्वारा किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वह है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, तो वह क्रिकेटर है दोस्तों आपका ऋषभ पंत, यानी ऑप्शन बी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, राज्य के गरीब लोगों को सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा माँ योजना की शुरुआत की गई है, तो वह कौन सा राज्य है जहाँ भोजन गरीबों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना की शुरुआत किया गया, तो वह राज्य है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन डी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो पहला कथन है इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है इस सूचकांक में भारत का स्थान 53 रहा, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो वह राज्य है आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश, जिसे ई पंचायत पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ, ऑप्शन सी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में खोला गया, तो वह राज्य है दोस्तों आपका तेलंगाना, जहां पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया, ऑप्शन सी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो वह है दोस्तों आपका लक्षद्वीप, ऑप्शन बी सही है, जहां टीबी मुक्त घोषित किया गया लक्षद्वीप को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाली दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना, तो वह कौन सा विश्वविद्यालय है जहां दोस्तों दुनिया में पहली बार 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाया है, तो वह यूनिवर्सिटी है दोस्तों आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन बी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया, तो वह है दोस्तों आपका दीपिका पादुकोण, यानी ऑप्शन ए सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, इस पर चढ़ाई करने वाला विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बना, तो वह है दोस्तों आपका विराट चंद्रा, यानी ऑप्शन सी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो वह शहर है दोस्तों आपका राउरकेला, यानी उड़ीसा का राउरकेला, ऑप्शन बी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस स्थल के शहद को जो है GI टैग प्रदान किया गया, तो
वह जो है स्थल है दोस्तों आपका सुंदरवन, ये पश्चिम बंगाल यानी WB का ये सुंदरवन है जिसे GI टैग मिला है वहाँ के शहद को। ऑप्शन ए सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार द्वारा जो है कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है? तो वह कौन सा राज्य है जहाँ की सरकार ने कीवी मिशन योजना की शुरुआत की है? तो वह राज्य होगा दोस्तों आपका उत्तराखंड, यानी ऑप्शन सी सही है। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को के बासमती चावल को जो है GI टैग प्रदान किया गया है? तो वह कौन सा जो है देश है जिसे देश के बासमती चावल को GI टैग दिया गया? तो वह देश है आपका दोस्तों पाकिस्तान, यानी ऑप्शन सी सही है। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 के तहत 3 साल में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना बनाई है? तो इसमें दोस्तों आपका सही हो जाएगा यानी 7 जो है मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना बनाई है, ऑप्शन डी सही है। तो देख ले अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ICC द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में जो है किस क्रिकेट खिलाड़ी को शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ? तो वह कौन सा क्रिकेटर है जिसे वनडे रैंकिंग में जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया? तो वह खिलाड़ी हो जाएगा आपका बाबर आजम, ये पाकिस्तान क्रिकेटर, ऑप्शन सी सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष के से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 2021-22 में ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई है? तो वह उम्र निर्धारित किया गया है दोस्तों आपका 75 वर्ष, यानी ऑप्शन सी सही है, यानी 75 वर्ष के अधिक उम्र के व्यक्ति को जो है इनकम टैक्स के दायरे में छूट दिया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 2021-22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना बनाई है? यानी 2021-22 में जो है किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना बनाई है? तो वह मिशन है दोस्तों आपको हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। कौन? हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन, ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों ये था आज का टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।